गजल है, तुझे तन्हा नहीं होने देंगे। बैक टू क्रिकेट। मुकाबला इस वक्त शुरू होने जा रहा है। बालाजी स्पोर्ट्स सरोली पारा बनाम आई वज्रेश्वरी निम्बोली के बीच में। टॉस को जीता है सरोली पारा ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। जकी नाचन इस वक्त आंखों देखा हाल सुना रहे थे। शमून पटेल हमसे जुड़ चुके हैं, आपका पुरतबाक इस्तकबाल है। मोनिस पाटिल आपको कमेंट्री से जुड़ जाना है। खेल की शुरुआत करना है। ऑन फील्ड अंपायर, रात बहुत ही गहराती जा रही है, ठंडी हवा के झोंके चल रहे हैं। मेरे साथ वॉइस ऑफ मापोली जकी नाचन, मजर खान और मोनिस पाटिल वॉइस ऑफ झिड़के इस वक्त मौजूद हैं। मुकाबला शुरू होने जा रहा है। बालाजी स्पोर्ट सरोली पारा फर्स्ट विकेट इज फॉलन नाउ, मैन आउट राजा गुलवी फॉर सिक्स, निम्बोली सिक्स फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। अब लगता है कि मुझे अपना मोबाइल ऑफलाइन करना होगा क्योंकि लगातार आपके SMS आ रहे हैं और रनिंग कमेंट्री में इतने SMS पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। स्कोर इज 7 for 1 विकेट, बट मैन आउट वेरी इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ राजा गुलवी फ्रॉम निम्बोली गोटिया सेट। ऑल द बेस्ट फॉर निम्बोली, बट दे लॉस द वेरी इंपॉर्टेंट विकेट। प्रशांत मात्रे दिस टाइम वंस मोर हिट्स इन द एयर बट फाइंड द गैप वेरी वेल, बॉल इज क्रॉस द मिड विकेट बाउंड्री फॉर 4। नाइसली प्लेड, tucking on the onside.
प्रशांत हियर ही गो दिस टाइम स्विंग एंड मिस लवली बॉल इंडीड बैंग ऑन टारगेट अराउंड द ऑफ स्टंप मूविंग वे टू द बैट्समैन This time another fine delivery. Ball is kept low and batsman try to play across the line. एक ओवर की समाप्ति पे रन बने यहाँ पर 11 दो रन पेनल्टी का हम ऐड कर रहे हैं और कुल मिलाकर एक ओवर की समाप्ति रन बने 13 एक ओवर की समाप्ति रन बने 11 देखिए कमेंट्री बॉक्स के सामने से हट जाना है प्लीज इस वक्त विराज दयानंद चोड़के ने बालाजी स्पोर्ट्स सरोली पारा को ऑल द बेस्ट कहा है बहुत धन्यवाद बहुत स्वागत है विराज आपका रतन ने भी सरोली से बालाजी स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है हमारे बीच इस वक्त सुपे गांव के पुलिस पाटिल प्रमोद भोई जी का आगमन हो चुका है हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज उनका जन्मदिन भी है वेलकम सर एसडी ट्रॉफी मापोली में आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है बैक टू क्रिकेट एक ओवर की समाप्ति रन बने 11 विकेट गिराए एक
खेल की शुरुआत करना है अंपायर, इसके बाद जो मुकाबला है जॉली स्पोर्ट कामतकर, नरेश मात्रे फैम टीम के कैप्टन और भावाले स्पोर्ट्स के कैप्टन, देखना है कि योगेश भालेकर बनाम मोहिल मात्रे, हमारे बीच मोहतरम जमर पटेल साहब जुड़ चुके हैं, हम आपका अमी के दिल से इस्तकबाल करते हैं। प्लीज कमेंट्री बॉक्स के सामने से हट जाए प्लीज। खेल की शुरुआत होती भी एक ओवर की समाप्ति, रन बने 11, गेंदबाजी के लिए भोलेनाथ। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारने की कोशिश, टॉप एज लगा, नो मैन्स लैंड में गेंद गई है, एक रन और स्कोर में आता हुआ, एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 12 पे पहुंचा है। मुकाबला चलता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स सरोली पारा बनाम आयु वज्रेश्वरी निम्बोली के बीच में, राजा गुलवी एक सिक्सर लगाने के बाद आउट हो चुके हैं। पैक क्राउड नजर आ रहा है, भोलेनाथ ओ बढ़िया गेंद, कौन बनाती भी पहुंची लेकिन अंपायर का वाइट का इशारा, लाइन बिलोंग्स टू अंपायर क्रिकेट में कहा जाता है। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पे पहुंचा है। अगली दो टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है, जॉली स्पोर्ट कामतगर और भावाले स्पोर्ट। एसडी ट्रॉफी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, भोलेनाथ मुड़े, एज एंड गॉन, एक और विकेट गिरता हुआ, आउट होके जा रहे हैं बैट्समैन विशाल। दूसरा झटका यहाँ पे लगा है निम्बोली स्पोर्ट्स को, दो विकेटों के नुकसान पे स्कोर है 13। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है आई वज्रेश्वरी स्पोर्ट्स निम्बोली। राजा गुलवी से काफ़ी उम्मीदें थी, एक सिक्सर भी ज़रूर लगाया उन्होंने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर। भोलेनाथ, भोलेनाथ की अगर बात मैं करूं तो भावु चषक 2010 में जो हुआ था ढूंढा वड़ोली में, 4 गेंदों में 4 सिक्सर लगाए थे भोलेनाथ ने। ओ बढ़िया गेंद, कट के अंदर की जानी भाई, क्रॉस बैटेड शॉट खेलना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। बालाजी स्पोर्ट्स की तरफ हम देखते हैं तो उनके पास भी बल्लेबाजी का एक मजबूत यूनिट है। दिलीप पाटिल एक ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने भिवंडी सिटी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा गोल्डन सिक्स लगाने का उनका कीर्तिमान है। बोल्ड कर दिया है, एक और विकेट, बेस क्या जल गई, मानो बल्लेबाज का दिल जल गया। हमारे बीच में अभी अभी जुड़ चुके हैं मोहतरम वसीम जलाल और मोहतरम इमरान भाभे साहब, हम आपका अमी के दिल से इस्तकबाल करते हैं एसडी ट्रॉफी मापोली में, वेलकम। काफ़ी मेहमान वीआईपी डाइस की जीनत को दोबाला कर रहे हैं, इमरान भाभे जिन्होंने अभी अभी एक बहुत ही बड़ा कप टेनिस क्रिकेट को दिया था, उप सरपंच कप वडोली। वीआईपी डाइस पे कई नुमाया चेहरे वीआईपी डाइस की जीनत को दोबाला कर रहे हैं,
भोलेनाथ बहुत ही कसी भी गेंदबाजी इस ओवर में करते हुए। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा फॉलिंग स्वीप खेलने की कोशिश, गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई, डॉट गेंद। इवन एंकर राजेंद्र पाटिल ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत आपका भोलेनाथ। वीआईपी एंड से मुड़ते हुए सामना करेंगे बैट्समैन अक्षय। बढ़िया गेंद, पैर नहीं चले थे, क्रीज बॉक्स से खेले थे, जहां पर मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। नो फुटवर्क बिहाइंड स्टंप्स। आज वीआईपी डाइस पे कई मौजूद मेहमान हैं और हमारे कमेंट्री बॉक्स में मापोली के मास्टरमाइंड रमेश पटेल हैं। अफजल इलाहाबादी एक जगह कहते हैं कि आवारगी ये शौक का हासिल कहें किसे, खंजर बदस्त शहर है कातिल कहें किसे, और हर सिमत एक चांद मुनव्वर है बज्म में, ऐ दिल बता के रौनक महफिल कहें किसे। दो ओवर की समाप्ति, शुरुआत बहुत अच्छी थी निम्बोली की, बारी थोड़ी लड़खड़ाती हुई, 13 रन। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि देर रात ड्यू फैक्टर काफ़ी काम करता और पिछला मैच बहुत ही कट टू कट रहा था। अगला मैच क्लैश ऑफ टाइटंस, योगेश भालेकर सिटी क्रिकेट में धमाल मचाए हुए हैं, देखना है कि मोहिल मात्रे उनका किस तरह जवाब देते हैं। आज BC4 फॉर्मेट में जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ ने सेमीफाइनल में दूसरी मर्तबा क्वालिफाई किया है। गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है गेंदबाज महेश को। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। फील्ड की जमावट देखिए, एक शॉर्ट टर्नमेंट है, एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक कवर पॉइंट है घेरे में। 38 सर्कल में 3 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर। महेश लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप, खराब गेंद लेकिन पूना बुल्डाना शॉट। ये देखिए ओवर थ्रो हुआ है, सब कुछ खराब चलता हुआ, अपील वहां पर होती हुई। अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ चले गए। हालांकि गेंद भी खराब थी, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद चली गई ऑफ साइड में। गेंद भी खराब थी, साथ ही साथ शॉट भी खराब, रनिंग बिटवीन द विकेट भी खराब। लेकिन इस खराब चीज़ों से कोई भी असर नहीं पड़ता है क्रिकेट की खूबसूरती पे, क्योंकि आप खयाम की रुबाई को सुनहरे वर्क की जगह पथरीली जमी पे लिख देंगे तो उसके माने नहीं बदलते। तीसरे अंपायर हमारे थर्ड अंपायर तीसरे अंपायर को निर्णय दिया गया है। हमारे तीसरे अंपायर
लेकिन अंपायर ये बताइए कि आपने रन आउट के लिए तीसरे अंपायर को कॉल किया है बीमर के लिए। यस, बीमर के लिए कॉल किया है। फेयर डिलीवरी दो रन पूरे हुए, दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 3 विकेट 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। शादाब कोतकर भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं टेलीविज़न सेट पर। आपसे गुजारिश है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। ओ परफ्यूम गेंद बिल्कुल कान के पास से जाती हुई बैट्समैन को पूछती हुई, हाल कैसा है जनाब का? कंधे के ज़ोर से गेंद को उठाया था, बहुत ही खूबसूरत गेंद। मेरे बहुत ही काबिल दोस्त शादाब कोतकर इस वक्त टेलीविजन सेट पर है। बढ़िया गेंद, रन पूरा होता हुआ। ये देखिए दूसरे के लिए जा रहे हैं और बैट्समैन आउट, अपना विकेट फेंक दिया वहां पर बल्लेबाज ने। स्वागत है शादाब कोतकर आपका। बला से जख्म दिल रसकर अगर नासूर हो जाए, किसी दुश्मन के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे, और जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझको बचना है, ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। खेल की शुरुआत होती हुई विकेट नंबर 4 गिर चुका है। थैंक यू भाभे सर। तो इस वक्त हमारे बीच में आज के जो हमारे मान्यवर मौजूद मेहमान हैं उनकी इज्जत अफजाई की जा रही है। सबसे पहले हमारे बीच में वसीम जलाल साहब मौजूद है, उनकी इज्जत अफजाई की जाएंगी। शहजाद डॉन इस टूर्नामेंट के शिल्पकार शहजाद डॉन, उन्हीं के दस्त मुबारक से इस वक्त इज्जत अफजाई की जा रही है। वसीम जलाल साहब ये देखिए ये शॉल और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए शहजाद डॉन। इमरान भाभे साहब हमारे बीच में मौजूद है, मैं एक बार फिर से शहजाद डॉन से कहूंगा कि आपको इमरान भाभे साहब की इज्जत अफजाई करनी है। शहजाद डॉन ये शॉल पहनाते हुए और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए, तो इमरान भाभे साहब की इज्जत अफजाई इस वक्त करते हुए शहजाद डॉन अपने दस्त मुबारक से। शमुन पटेल साहब हमारे बीच में मौजूद है, आइए शमुन भाई। ये देखिए शहजाद डॉन इस वक्त इज्जत अफजाई करते हुए शमुन पटेल साहब के ये शॉल और ये बहुत ही खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता देते हुए। हमारे बीच में संदीप भोईर साहब मौजूद है, उनका सत्कार सम्मान इस वक्त होने जा रहा है। परमोद भोईर जी हमारे बीच में मौजूद है। ये
ये देखिए सत्कार सम्मान इस वक्त होता हुआ अपरमोद भोईर जी शहजाद डॉन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अपरमोद भोईर जी आपका, साथ ही साथ जो आज के हमारे मौजूद मेहमान है। आइए एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स की तरफ चलते, जहाँ पर बिल्कुल तैयार है वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भावे सर। शुक्रिया मजहर खान। यहाँ पर लाठीचार्ज क्रिकेट मैदान में चलता हुआ 24 रन और विकेटों को हम देखें तो इस वक्त 4 विकेटें गिरी है। यस, फर्स्ट एड की जो सुविधा हमें दी है मरियम मेडिकल के मोहतरम आतिफ हलबे साहब ने, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। ये आप देख सकते हैं वीआईपी डाइस पे इस वक्त तमाम आज के मेहमानों को। मोहतरम अजहर पटेल साहब भी हमारे बीच में हैं, हम भी आपका अमी के दिल से इस्तकबाल करते हैं। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, जब खेल रुका है तो स्कोर है 24 रन 4 विकेट। शादाब कोतकर, आपसे इल्तिमास है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। हमारे जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है, जहाँ पर हम है वहाँ आसमान थोड़ी है, और फकत खुलूस का धागा है जिंदगी अपनी, बिखरते टूटते रिश्तों में जान थोड़ी है, और हमारा प्यार महकता है उसकी सांसों में, बदन में उसके कोई ज़ाफ़रान थोड़ी है। खेल की शुरुआत होती हुई मुकाबला चल रहा है इस वक्त बालाजी सरोली पाड़ा बनाम निम्बोली के बीच में, स्कोर है 24 रन 4 विकेट। ओवर नंबर 3 का खेल चल रहा है और कमेंट्री में इस वक्त मजहर खान और मोनिस पाटिल मुझसे जुड़ चुके हैं। अगली दो टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है, नरेश मात्रे फैम टीम जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ के कैप्टन और भावाले स्पोर्ट्स के कैप्टन। गेंदबाजी के लिए महेश मोड़ते हुए लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मरतबा हेलीकॉप्टर उड़ाया है और लैंड होता हुआ बाउंड्री के पीछे 6 रन। एमएस धोनी एसडी ट्रॉफी में आ गए हो। जी बिल्कुल बाबे सर, जी बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ वक्त के लिए तो मुझको भी ऐसे ही लगा था कि महेंद्र सिंह धोनी ने ये स्ट्रोक लगाया, जिस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रोक लगाया शुभम गुलवी ने, कमाल का स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए लॉन के ऊपर से 6 रनों के लिए। और ऑडियंस के मालूमात के लिए के इस सीजन में पहला गोल्डन सिक्स भी शुभम गुलवी ने लगाया था बी इंडियन के सामने सिटी क्रिकेट BC4 में, जयदुर्गा ट्रॉफी में 2 में 2 सिक्सर लगाकर वो सिटी क्रिकेट के 6वें बैट्समैन बन गए थे जिन्होंने कारनामा अंजाम दिया था। जी बिल्कुल बाबे सर, और अगर हम पिछले सीजन की बात करें तो जो अमीदुज्जमान अंसारी का जो टूर्नामेंट रहा था गोरसई में, उसके मैन ऑफ द सीरीज रहे थे शुभम गुल्ली, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रोक लगाया उन्होंने तो कमाली कर दिया है। देखिए निम्बोली का क्रिकेट शुभम गुल्ली और राजा गुलवी के अतराफ में ज्यादा घूमता है। चकरा गए गेंदबाज, स्कोर उछलता हुआ 30 पे पहुंचा है। इसके बाद एक ओवर और है और इस मैच में अभी तक काफी समय लग चुका है। चेतन खारिक ने इस वक्त कमेंट्री पैनल के लिए शुभकामनाएं दी है, बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका। दिलीप पाटिल,
राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है, स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन रखा हुआ था, एक रन आता हुआ स्ट्राइक अप फिर से। स्कोर 31 रन स्ट्राइक अप शुभम गुलवी के पास। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स फिर से उड़ाया है, क्या दिलीप पकड़ पाएंगे? नहीं, रात की रोशनी में फ्लड लाइट में इस तरह के स्क्वायर कैचेस इतने आसान भी नहीं रहते हैं। दो रन स्कोर में और आते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 पे पहुंचा है। चार गेंदों के लिए दिलीप पाटिल, आपके पास 2 मिनट का समय रह गया है। दिलीप पाटिल तान दिया आसमान में, लेकिन नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं। अब जाकर पहले बाउंस पर गेंद पहुंची है और रनआउट की अपील होती भी और अंपायर का इशारा के बैट्समैन को जाना होगा। नए बैट्समैन इस वक्त बल्लेबाजी को आते हुए दीपेश, स्कोर है 34 रन और 5 विकेट। दिलीप पाटिल, 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर है, शॉर्ट थर्मे ने पॉइंट है और शॉर्ट फाइन लेके 30 गज के दायरे को एलईडी लाइट से पूर्णूर किया गया है। इस मरतबा विकेटों में गिनती है, ऑन ड्राइव किया, एक रन बना, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं और 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 36 पे पहुंचा है। BC4 के चेयरपर्सन अमोल पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। मोती जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रेम भी जुड़ चुके हैं और यहाँ पे अपील होती भी एक और विकेट जाता हुआ।
चला बोलतो मॅच कडे धावसंख्या फळकावरती जोडला गेला त्या म्हणजेच 38 धावसंख्या फळकावरती जोडला 39 धावांचा टार्गेट आहे पाहायला मिळतो आपल्याला दोन संघ एका बाजूला आई वज्रेश्वरी निंबवली संघ आहे विपक्षामध्ये जर बघितला गेला तर मग बालाजी स्पोर्ट्स सरवडी पाडा दिग्गज नाव आहे दोन्ही पण अगदी जर बघितला गेला तर दोन सलामीचे बॅटर्स मैदानामध्ये आले होते निलेश आणि राजाचे जोडी राजावरनं खूप जास्त अपेक्षा होत्या पण एक मोठा फटका तदनंतर परतला गेला तदनंतर जर बघितला गेला त्याच्या पाठीमागे विशाल आकाश अक्षय पण शुभम या मॅचमध्ये टर्निंग पॉईंट ठरला 17 धावा वैयक्तिक कॉन्ट्रीब्युशन आणि रनआउटचा विकेट मैदानामध्ये पाहायला मिळाला शुभमचा आणि तदनंतर जर बघितला गेला तर त्याच्या बॅटमधनं देखील दोन षटकार निघाले होते 17 धावा वैयक्तिक जोडल्या गेल्या होत्या त्याच्या बॅटमधनं आणि धावसंख्या टोटल फळकावरती जोडली गेली आहे ती म्हणजेच 38 आकड्यावरती 39 धावांचं टार्गेट दिलं गेलंय 39 धावांचं टार्गेट पार पाडण्यासाठी दोन सलामीचे बॅटर्स सरवली संघ सरवली पाडा संघाकडनं पाहायला मिळतात सुजल आणि रवी टीम भावाले बी संघाचे कर्णधार आणि जॉली कामतगर संघाचे कर्णधार दोघे आमच्या समेत जोडायचे आहेत जॉली कामतगर संघाचे कर्णधार आणि भावाले बी संघाचे कर्णधार या आमच्या समेत जोडायचे आहेत वळतोय मॅच कडे 39 धावांचं वान छोट वाटत पण ज्या पद्धतीने मैदानातली परिस्थिती आहे ज्या पद्धतीने ही खेळपट्टी आता गोलंदाजांना सपोर्ट करते मी म्हणेन की कठीण होईल पण त्यासाठी देखील तुम्हाला विकेट टेकिंग गोलंदाजी करावी लागेल प्रत्येक चेंडूवरती एक कठीण प्रश्न विचारावा लागेल केलं जाईल का टीम निंबवली संघाकडनं पाहावं लागेल दोन स्ट्रायकर बॅट्समन दोन सलामीचे फलंदाज रवी आणि त्याच्या समवेत जर बघितला गेला तर सुजलची जोडी आहे क्रमांक पहिला घेऊन अगदी राजा गुळवी फलंदाजी केली नाही चांगली पण इथे गोलंदाजी करेल का प्रश्नचिन्ह आहे मैदानामध्ये लढवय्या आहे या संघाचा जेव्हा जेव्हा टीम निंबवली संघ मैदानात असते राजा गुळवीकडनं अपेक्षा खूप असतात पहिला चेंडू गोलंदाज राजा तयार रवीच्या विरोधात पहिला चेंडू यावेळेस पहा बॅटची कडा घेतली की काय एक धाव कंप्लीट केली आहे दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाईल का एकच धाव चेंडूला कलेक्ट केला गेला आणि मग फेकी करेपर्यंत जर बघितला गेला तर एक धावी कंप्लीट केली जाते आणि मग एका धावेच्या जोडीने वैयक्तिक सांघिक खातं उघडलं जात आहे धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली गेली रवीच्या बॅटमधनं एक आकड्यावरती 39 धावा लक्ष छोटं आहे पण विकेट जर मैदानामध्ये सर पडले ना तर हे देखील कठीण होऊ शकतं आपण पाहतोय लो स्कोरिंग मॅच या क्रिकेट विश्वातल्या सर्वात खतरनाक मॅचेस पुढचा चेंडू यावेळेस पहा टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेतली आणि सरळ चकवा देऊन निघून गेला रक्षकाच्या हातामध्ये अगदी मागच्या मॅचमध्ये सर आपण पाहिलं ना की 6 चेंडू 7 धावांची गरज असताना तिथे टीम वर्ल्ड बी संघाने ते 7 धावा देखील डिफेंड केल्या गेल्या जी बिल्कुल और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी आई थी वहाँ पर वैभव की लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि राजा गुलवी इस वक्त कमाल की गेंदबाजी करते हुए दोन चेंडूचा खेळ समाप्त एक धाव सेफ आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न चेंडूला ड्राइव्ह केला रनआउटची संधी असू शकते क्विक ॲक्शन पाहिजे होती चेंडूला गॅदर केला पण तदनंतर फेकी करताना थोडीशी फंबली आणि जर बघितला गेला तर मग तिथे धाव एक कंप्लीट केली गेली एका धावेच्या जोडीने धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचते ती म्हणजे दोन आकड्यावरती तीन चेंडूचा खेळ समाप्त आहे धावसंख्या फळकावरती दोन चेंडू क्रमांक चौथा राजा पुन्हा एकदा तयार यावेळेस काय घडतं पंचांचा इशारा यस लेग स्टंपला सोडून जाणार हा चेंडू व्हाईटच्या स्वरूपामध्ये एक धाव दिली जाते आणि मग एका धावेच्या जोडीने धावसंख्या फळकावरती एक ने वाढेल जाऊन पोहोचेल ती म्हणजेच तीन आकड्यावरती तीन चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय धावसंख्या फळकावरती तीन आकड्यावरती पाहायला मिळते चेंडू क्रमांक चौथा गोलंदाज तयार स्टेप आउट केलाय पुन्हा एकदा ऑन साइड ला मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे एक धाव कंप्लीट केली आहे दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न रनआउटची संधी
तर चला बोलतोय मॅच कडे सर पहा विकेटची गरज होती आणि विकेट आलाय रनआउटच्या पद्धतीने विकेट पाहायला मिळतोय जी बिल्कुल यहाँ पर विकेट गिरा और बैट्समैन सुजल इस वक्त आउट होकर वापस गए। पहले ओवर में देख रहे हैं हम के पावर प्ले में इस वक्त राजा गुल भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे, बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया जा रहा है कि पावर प्ले में फ़ायदा उठाया इस वक्त नहीं जा रहा है। लेकिन अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो रवि वहाँ पर मौजूद है जो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और नए बल्लेबाज अब आए रवि का साथ देने के लिए भोलेनाथ गोलंदाज तैयार होता है। पुनः एकदा रविच्या विरोधात पुढचा चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न बॅकवर्ड स्कोअर लाईनच्या क्षेत्रात चेंडू एक धाव कंप्लीट केली आहे। वेगाने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय सरळ सीमारेषा बाहेर। या आधी पहिला विकेट आता पहा चौकार धावसंख्या फळकावरती 4 ने वाढेल जाऊन पोहोचली आहे 8 आकड्यावरती। स्वागत है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आपने हमें मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर किया है। पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला तदनंतर जर बघितला गेला तर मग हा चेंडू चांगला होता। टप्पा पडल्यावरती पहा चेंडू मध्ये बाउन्स किती चांगल्या पद्धतीने आणि मग सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात जाऊन सोपवला गेला। चेंडूचा जर विचार केला तर मग षटक समाप्त होत आहे। एका षटकाच्या समाप्तीनंतर अगदी 39 धावांचा पटला करताना टीम बालाजी स्पोर्ट्स सरवली पाडा संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली गेली ती म्हणजेच एका विकेटच्या नुकसानवरती 8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली, हालांकि रवि ने एक बाउंड्री लगाई इस ओवर में, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं मोनिश की अच्छी गेंदबाजी रही यहाँ पर राजा द्वारा, सिर्फ 8 रन है और एक विकेट भी गिरा है, रनआउट हो गए थे वहाँ पर बैट्समैन सुजल, और जो टारगेट है वो है 39 रनों का टारगेट है। अब यहाँ से 3 ओवर बचे और जीतने के लिए जो रन है वो 31 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस म्हणजे अगदी 10 प्लस सरासरी करावी लागेल, अगदी 10 सरासरीने तरी धावा बनवल्या गेल्या तरी पण इथे पोहोचता येईल, म्हणजेच आता खरे प्रयत्न करावे लागतील ते म्हणजेच गोलंदाजांना। षटक क्रमांक 2 गोलंदाजीवरती गोलंदाज नितीन पाहायला मिळतोय। देखिए प्लीज थोड़ा सहयोग करें, कमेंट्री बॉक्स के पास है, हम बार बार कह रहे कि आप लोगों को हटना है। एका षटकाचा खेळ समाप्त झालाय, धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली गेली 8 आकड्यावरती। षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावरती असताना गोलंदाज नितीन, इथून प्रत्येक षटक इम्पॉर्टंट असेल टीम निंबवली संघासाठी। ही समीकरण पहा, 18 चेंडू 31 जाऊन पोहोचला गेलाय, 39 पाटला करताना पहिल्या षटकात 8 धावा 1 विकेट देखील पाहायला मिळालाय। गोलंदाज नितीन तयार, पहिला चेंडू यावेळेस पहा, फटका तर चांगला आहे, आउटफील्ड फास्ट आहे, चेंडूला अडवला जाईल का काय, पण निघून जाईल। पंचांचा डिसिजन काय येतोय हे आता बघावं लागेल, पंचांचा डिसिजन इथे वेटिंग वर आहे। पंचांचा इशारा चौकार, 4 धावा इथे मिळाल्यात, वेट केलं पंचांनी, तिथे विचार केला गेला, तिथले प्रेक्षक वर्गांना विचारलं गेलं आणि मग जर बघितलं गेलं तर रिप्ले मध्ये पहा अगदी गॅप मध्ये चेंडूला। असं म्हणतात ना सर, तुम्हाला जर सक्सेसफुल व्हायचं असेल, मोठे फटके येत नसतील, मग गॅप हंटिंग करा, कारण की अनेकदा बघतो गॅप मध्ये जर मारले फटके तर मग सक्सेसफुल होऊ शकता। जी बिलकुल, यहाँ पर गॅप मे भी खेला और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इम्प्रूवाइज स्ट्रोक खेला था वहाँ बॅट्समॅन भोलेनाथ ने। आणि धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली गेली 12 आकड्यावरती, सरासरी होती सर 10, कारण की 18 चेंडू आणि मग 31 धावांची गरज होती, 10.10 सरासरीने जरी धावा बनवल्या गेल्या तरी पण पोहोचू शकतात। पहिल्या चेंडूवरती 4 आल्यात, गोलंदाज तयार होत आहे, पुढचा चेंडू यावेळेस अगदी सरळ रेषेमधला लॉंग ऑन पासून तिथे शुभम पोहोचतोय आणि चेंडूला कलेक्ट करून फेकी करेपर्यंत जर बघितला गेला तर धावा जमवला त्या म्हणजेच 1, आणि एका धावेच्या जोडीने धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली गेली ती म्हणजे 13 आकड्यावरती।
धावसंख्या फलकावरती जाऊन पोहोचला गेला 13 आकड्यावरती। दोन चेंडूचा खेळ समाप्त आहे। तिसरा चेंडू या वेळेस पहा हा कट केलाय पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये आउटफील्ड फा रवि के बल्ले से आया है, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेल दिया और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। रवि और भोलेनाथ ये दोनों ही बल्लेबाज अब बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करें और स्कोर हम देख सकते हैं मनीष के इस चौकी की मदद से अब 17 पर जा पहुंचा है। सर बघितला गेला तर मग विकल्प यूज केला होता गोलंदाज नितिन याला आणि विकेट साठी शोधात आणला होता, पण जर बघितला गेला तर मग रवीच्या माध्यमातून खूप सेन्सिबल फटक्यात, रिस्क घेत नाही पण गॅप मध्ये चेंडू नक्कीच ट्रॅव्हल करतोय। पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार होत आहे, या वेळेस हा फटका फसलाय, झेल घेणं गरजेचं आहे। तर जर बघितलं गेलं तर मग धावसंख्या फळकावरती 17 या आकड्यावरती बघितलं तर विकेट क्रमांक दुसरा हा डाऊन झालाय आणि आता समीकरण 14 चेंडू 22 इक्वेशन जाऊन पोहोचलंय। विकेट महत्त्वाचा मी आलाय सर। जी बिल्कुल, बड़ा विकेट यहाँ पर गिरा है। रवि जो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश की लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठे थे, जहाँ पर राजा गुलू ने एक बहुत ही बेहतरीन कैच समाप्त किया और ये दूसरा विकेट गिरा है। आता जर बघितलं गेलं तर दोन विकेटच्या नुकसानवरती 17 आकड्यावरती धावसंख्या आहे। चेंडूचा विचार केला तर या षटकातील 4 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय। चेंडू क्रमांक 5वा प्रगतीपथावरती आहे आणि मग गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार होत आहे। नितीन न्यू बॅटर, स्ट्रायकर एंडला कपिल पाटील पाहायला मिळेल। नितीन तयार होत आहे पुन्हा एकदा कपिल पाटीलच्या विरोधामध्ये। हा पहिला चेंडू असेल, हा पहा बॅटची कडा आहे, क्षेत्ररक्षक तिथे नाही, लॉंग स्टॉपला चेंडू अडवला जातोय आणि जर नंतर बघितलं गेलं तर मग धाव जमवली गेली ती एका धाव्याने। धावसंख्या फळकावरती जर बघितल्या तर जाऊन पोहोचले 18 आकड्यावरती। सर जर क्षेत्ररक्षक डीप फाइंड पासून तिथपर्यंत पोहोचला नसता हा चौकार होता, पण किती वेगाने पोहोचला तिथे पहा। जी बिल्कुल, तारीफ करना ही यहाँ पर जो डीप में खड़े हुए खिलाड़ी थे, काफी तेज दौड़ रहे थे और बहुत ज्यादा फासला उन्होंने तय किया। तो सिंगल रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर हम देख सकते हैं अब 18 पर जा पहुंचा। 2 विकेट गंवाने के बाद बालाजी स्पोर्ट्स अब यहां से इक्वेशन जो है 13 गेंदे और जितने के लिए रन 21 रन चाहिए। नक्कीच अशा प्रकारचे एफर्ट्स मैदानात दाखवावे लागतील, या पद्धतीची एनर्जी तुम्हाला दाखवावी लागेल, जिंकण्याची ती जिद्द असायला पाहिजे। पहा सबमरीन डिलिव्हरी, चेंडू मध्ये बाउन्स नव्हता, चेंडू मध्ये उछाल नव्हती आणि मग सरळ निघून गेला यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये। पंचांचा इशारा आला, षटक समाप्त झालाय आणि मग 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर अगदी 39 धावांचा पटलाक करताना टीम बालाजी स्पोर्ट्स सरवली पाडा संघाची जाऊन पोहोचली धावसंख्या 18 आकड्यावरती। म्हणजे आता 12 चेंडू, विजयासाठी 21 धावांची गरज आहे। आपण पाहिलं होतं समीकरण, अगदी 18 चेंडू 31 ची गरज असताना या षटकामध्ये 10 धावा दिल्यात, 12-21 समीकरण आहे। हा निर्णायक षटक, इथे मॅचचा मोमेंट आपल्याला कळेल की कुठे पारडा जास्त वजन होताना पाहायला मिळेल। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो तीसरा ओवर रहेगा, सही कहा आपने कि बहुत ही ये जो ओवर है अहम रहेगा दोनों टीमों के लिए, चाहे हम निम्बोली की बात करें या फिर सरोली पाड़ा की बात करें। ये देखिए दर्शकों को दिखाया जा रहा, हर तरफ से इंजॉय किया जा रहा है इस वक्त दर्शक द्वारा। जहाँ जगह मिली वहाँ पर इस वक्त दर्शक बैठे हुए, जितने भी स्टैंड बनाए गए सभी स्टैंड फुल है। और ये देखिए रिक्शा में बैठकर कुछ दर्शक एंजॉय करें इस HD ट्रॉफी 2023 को। सभी का इस्तकबाल है, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है शहजाद डॉन की तरफ से। कालच्या दिवसामध्ये देखील आपण पाहिलं रात्रीच्या 2:30 वाजेपर्यंत प्रेक्षक इथे गर्दी करून होता, ज्यामध्ये ती 2:30 वाजता रंगलेली मॅच आपल्याला पाहायला मिळाली कोलिवलीच्या अगेन्स्ट कव्वाडची। अतिशय रंगतदार मॅच होती,
अच्छा दिवसामध्ये कोणाचा प्रभाव चांगला असेल, अच्छा दिवसामध्ये कोणता संघ इथे जास्त चांगल्या पद्धतीने खेळ करू शकेल. षटक क्रमांक 33 हाताळण्यासाठी गोलंदाज शुभम शुभम गुळवी आहे. शुभम गुळवी निर्णायक षटक घेऊन सज्ज होत आहे. तिसरा षटक आहे, पहिला चेंडू गोलंदाज तयार. हाफ ट्रॅकर चेंडू निघून गेलाय. इथे चुकी झाली होती नक्कीच यष्टीरक्षकाकडनं, पण तयार नव्हते फलंदाज. आणि जर बघितलं गेलं तर स्ट्रायकर एंडला बॅटर पाहायला मिळतोय कपिल पाटील. हा निर्धाव चेंडू आहे. जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन गेंद रही पहली गेंद शुभम गुळवी की. और आज हम देख रहे हैं कि इस मैच में शुभम गुळवी ने अच्छी बल्लेबाजी भी की, अपनी इनिंग में 2 सिक्सर लगाए थे उन्होंने और 17 रन जो बहुत ही अहम रहे ये 17 रन. और पहली गेंद उनकी ये डॉट. ये सगळी असंच म्हणावं लागेल की सर जे शुभम गुळवी ने 17 धावा बनवल्या होत्या त्याचा आता डिफेंड करतोय की काय, कारण की स्वतःसाठी त्या धावा वाचव बनवल्या होत्या त्याने. पहिला चेंडू तर निर्धाव आलाय. पुन्हा एकदा शुभम तयार होते. 11-21 इक्वेशन. यावेळेस आणखी एक चेंडू निर्धाव. ही ताकद आहे शुभम गुळवीची, ही नजाकत आहे. म्हणतात ना की प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. हे परफेक्शन तेव्हाच दाखवलं जातं जेव्हा सातत्याने चांगली प्रॅक्टिस केली गेली आणि ते मैदानात त्याचा अनुभव दाखवताना देखील पाहायला मिळतोय. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है शुभम गुळवी द्वारा. कपिल पाटील कहीं ना कहीं अपने ऊपर प्रेशर ले रहे, लगातार 2 गेंदे डॉट खेली है उन्होंने. चेंडू यावेळेस आणखी एक. पहिला निघाला, दुसरा निघाला, त्याच्या पाठोपाठ तिसरा देखील निर्धाव चेंडू. काय गोलंदाजी चालू आहे शुभम गुळवीची. जी बिल्कुल, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर शुभम गुळवी द्वारा. अब तक 3 गेंदों में तीनों की तीनों गेंदे हमने देखी जिस तरह से वहां पर कपिल पाटील ने खेलने की कोशिश की. तीनों गेंदे डॉट. इक्वेशन अभी भी जो बना है 21 रन चाहिए. अभी भी यहाँ से और गेंदे बची है, अब 9. तस नक्कीच चेंडू निघून चालले पण धावा तिथेच आहेत. सर बघितलं गेलं तर मागचे 4 निर्धाव चेंडू सर पाहायला मिळतात. लगातारचे 3 पाहायला मिळाले. मागच्या षटकामध्ये शेवटचा अंतिम चेंडू देखील निर्धाव होता. म्हणजे गेल्या 4 चेंडूवरती कुठल्याच प्रकारची धाव आलेली नाहीये. ही एक जमाची बाजू असू शकते निंबवली संघासाठी, पण बालाजी स्पोर्ट्स सरवली पाडा संघाला इथून आता विचार करावे लागेल. मी म्हणेन की कुछ कर्जा वैसे की दुनिया बोले करो तो इसके जैसे असं करावं लागेल. पुढचा चेंडू लोवर फुल टॉस ऑन साइडला मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये आहे. एक धाव तर कंप्लीट केली आहे, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नाही. फेकी पहा किती सुंदर, एकच धाव. आणि मग एका धावेच्या जोडीने धावसंख्या फलकावरती जाऊन पोचली गेली, ती म्हणजेच 19 आकड्यावरती. समीकरण आपण पाहू शकाल, 8 चेंडू आणि 20 धावांची गरज आहे. 8-20 इक्वेशन. मागच्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं ना अगदी रंगतदार मॅच जाऊन पोहोचली. 6 चेंडू 7 इक्वेशन तिथे डिफेंड केला गेला. म्हणजे मागच्या मॅच पासून गोलंदाज कुठेतरी या मैदानात दबदबा दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. जी बिल्कुल, और पहिले दिन से हम देख रहे हैं कि रात में जब मैचेस खेले जा रहे हैं तो 30+ जो रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा है, खास करके चेसिंग करते हुए. इस नक्कीच आपण पाहिलं की प्रथम तर फलंदाजी करणाऱ्या संघाला प्लस पॉइंट मिळतो इथे. आणखी एक चेंडू अपील स्ट्रॉंग आहे, पण पंच राजेंद्र बजागे सर इथे इंटरेस्टेड. वाईड चेंडू, एक्स्ट्रा धाव, अतिरिक्त धाव. आणि मग अतिरिक्त धावेच्या जोडीने धावसंख्या फळकावरती 1 ने वाढेल, जाऊन पोहोचली गेली 20 आकड्यावरती. म्हणजे समीकरण आहे 8 चेंडू आणि विजयासाठी 19 धावा. काय रंगली आहे मॅच, अप्रतिम. मी म्हणेन की प्रेक्षकांना पैसा वसूल मॅच चालू झाला. आता संडी मध्ये देखील गर्मीचा माहोल क्रिएट होत आहे. 8 चेंडू 19 धावा. सरवली पाडा की टीम निंबवली. तयारी स्वीशीटची, पण हे पहा जसा स्थान चेंज झाला तसा गोलंदाजाने ऍक्शन देखील बदलली, त्याची लेंथ बदलली, लाईन बदलली, चेंडूला आणला लेग स्टंपच्या बाहेर. आणि मग निर्धाव पद्धतीचा चेंडू निघून गेला. ही शुभम गुळवीची ताकद आहे खरी. याला म्हणतात अनुभव. अनुभव सर्वात मोठा गुरु असतो आणि तो दाखवला देखील जातोय. पुढचा चेंडू आणखी एक. काय गोलंदाजी करतोय अप्रतिम. जेवढं कौतुक करावं मी म्हणेन सर, कर्णधार कर्णधाराची एक नक्कीच पाठीवरती थाप पडेल ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली. जी बिल्कुल, यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली. 6 की 6 जो गेंदे थी शुभम की, हर गेंद अलग अलग प्रकार की गेंद थी. कभी गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप करा रहे थे, कभी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, तो कभी फुलर लेंथ गेंद थी. हर गेंद एक से बढ़कर एक गेंद थी. और ओवर की समाप्ति भी हम देख सकते कि सिर्फ 2 ही रन आए हैं. नक्की जस सर म्हणतात ना की मग आयुष्यामध्ये जसा काळ बदलत तसा चाललाय, तसं आपल्याला बदल करायला पाहिजे. आणि त्याचप्रकारे मी म्हणतोय ना की गोलंदाजीमध्ये देखील बदल करायला पाहिजेत. म्हणूनच की काय सर असं म्हणतात की बदल हा निसर्गाचा नियम आहे.
आणि तो मैदानात पहा सहा चेंडू वेगवेगळ्या शैलीचे हाताळले, प्रत्येक चेंडूवरती काहीतरी वेगळेपण करण्याचा प्रयत्नामध्ये इथे शुभम गुडीला सक्सेसफुल ठरवलंय. मॅच मध्ये आता रंगत आहे, शेवटचे अंतिम सहा चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि सहा चेंडूवरती विजयासाठी 29 धावांची गरज. जी बिल्कुल, अब यहाँ से जो इक्वेशन है, लास्ट ओवर का खेल बचा और जीतने के लिए रन है 19, 6 गेंदे और 19 रन. सहा चेंडू 29, एक क्षणी गोलंदाजी वरती गोलंदाज पाहायला मिळतोय. बॉलर कोण आहे? निलेश. षटक क्रमांक चौथा शेवटचा. पहिले दोन चेंडू निर्णायक असतील या मॅच मधले. 6-19 गोलंदाज तयार. पहिला चेंडू पहा, आणखी एक निर्धाव चेंडू सरवली पाडाच्या अगेन्स्ट. गोलंदाज इथे आपली शक्ती दाखवतात, आपली ताकद दाखवतात, पण अजून देखील वेळ गेलेली नाहीये. इथून करावं लागेल, झुंजावं लागेल, त्या विजयाच्या शोधामध्ये त्याच्या पाठोपाठ धावावं लागेल. पुढचा चेंडू यावेळेस पहा, अपील स्ट्रॉंग आहे पण इम्पॅक्ट करत नाही लाईन मध्ये. त्वरित दाखवलं गेलं की मग लेग बाईच्या स्वरूपात एक धाव, एका धावेच्या जोडीने धावसंख्या फळकावरती 21-21. समीकरण बदलतं. जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट ओवर में कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है निलेश द्वारा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कपिल बल्लेबाजी कर रहे, अब तक 5 डॉट गेंदे खेली. बस कपिलला कुठेतरी स्वतःचे गिअर चेंज करावे लागतील, कारण की 5 निर्धाव चेंडू त्याच्या विपक्षामध्ये पाहायला मिळाले. इथे 5 धावा जरी असला तरी पण खूप फायदा करून दिला असता. पुढचा चेंडू उडवण्याचा प्रयत्न आहे, मिस टाइम स्ट्रोक. नो मॅन्स लँड मध्ये एक धाव तर कंप्लीट आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न कपिलने थांबवलाय, कपिलने थांबवला गेलाय. ठाऊक आहे जिम्मेदारी घेणाऱ्या, जिम्मेदारी घेणं गरजेचं आहे, कारण की मग आता मॅच रिस्की केले, इथून काढू देखील शकतो, क्षमता आहे त्याच्यामध्ये, कलाटणी देईल का. जी बिल्कुल, अब अपने पास स्ट्राइक रखा है कपिल ने, अब देखना होंगे कि किस तरह से बल्लेबाजी रहते. 3 गेंदे और 17 रन, 3 गोल्डन सिक्स इथून येतील का. गोलंदाज तयार, 3 चेंडू 17 धावा. यावेळेस अपील तर केली गेली, एक धाव इथे कंप्लीट केली जाते की काय, एक धाव तर कंप्लीट आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न मॅच मध्ये इंटरेस्ट वाढू शकतो, दुसरी धाव देखील कंप्लीट, तिसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न आहे इथून, आणि 3 धावा इथून कंप्लीट केल्या गेल्यात. तीन धावा इथे मिळाल्या, पण समीकरण आता पाहायला मिळतं, 2 चेंडू 14 धावा. 2-14 इक्वेशन पाहायला मिळेल. स्ट्रायकर एंडला बॅटर पाहायला मिळतो, तो म्हणजेच भोलेनाथ. इस निर्धाव चेंडू खूप सारे होते सर, त्या अनुषंगाने ही मॅच रिस्की झाली. या निर्धाव चेंडूवरती अगदी गॅपमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल केले असते, डबल सिंगलचा जरी विचार केला असता, म्हणूनच म्हणतात ना की 10 निर्धाव चेंडू आहेत, म्हणून म्हणतात सर क्रिकेटची लाईफ लाईन जी आहे ती डबल सिंगल आहे. हा चेंडू पहा, उडवण्याचा फक्त प्रयत्न केला गेला हवेमध्ये, मिस टाइम स्ट्रोक. प्रयत्न चांगले केले होते तिथे, पण चेंडू ड्रॉप होतोय. आणि मग जर बघितलं गेलं तर आता समीकरण आहे तो म्हणजेच 1 चेंडू विजयासाठी 13 धावा. आता लक्ष लांब राहिलंय, आता टार्गेट लांब राहिलं, ज्या टार्गेटच्या पाठीमागे टीम बालाजी स्पोर्ट्स सरवली पाडा धावत होती तो आता दूरवरती राहिलाय. काय या स्पर्धेमधलं स्वप्न हे स्वप्नच राहील की काय टीम बालाजी स्पोर्ट्स सरवली पाडा संघाचं. विशेष कौतुक करीन मी शुभमचं, खूप चांगली गोलंदाजी शुभमच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. शेवटचा अंतिम चेंडू पहा, फटका तर मॅच, या मॅचचा हिरो नो डाऊट ज्याने मॅच मध्ये आणला ट्विस्ट, बॅटिंग करताना जोडल्या वैयक्तिक 17 धावा आणि गोलंदाजीवरती निर्णायक क्षणी फक्त 2 धावा दिल्या गेल्या, 4 निर्धाव चेंडू, नो डाऊट शुभम गुळवी.
आइए इस वक्त हमारे बीच में नाजिश पटेल साहब मौजूद है, उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर की जा रही है। शुभम गुलवी आपको भी मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। शाकिब शेख जो हमारे मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर है, ये इस वक्त इधर नाजिश पटेल साहब की इज्जत अफजाई करते हुए, ये देखिए शाकिब शेख इस वक्त इज्जत अफजाई करते हुए शॉल। तो आइए अब इज्जत अफजाई होने जा रही है, हमारे बीच में नाजिश पटेल साहब मौजूद है। शाकिब शेख से मैं कहूँगा कि आपको उनकी इज्जत अफजाई करनी है, ये बहुत ही खूबसूरत ये शॉल पहनाते हुए नाजिश पटेल साहब को, और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए शाकिब शेख, बहुत बहुत शुक्रिया नाजिश पटेल साहब आपका। आइए अब लौट चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ, और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है शुभम गुलवी। आइए शुभम मैन ऑफ द मैच के लिए आपको बिल्कुल आ चुके शुभम। आइए नाजिश पटेल साहब से मैं कहूंगा कि आपको ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देनी है, ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देते हुए नाजिश पटेल साहब जो हमें शाकिब शेख ने स्पॉन्सर की है। उसके बाद नुमान धोरू साहब हमारे बीच में मौजूद है। आइए नुमान धोरू साहब उर्फ पप्पू भाई ये गिफ्ट एम्पर देते हुए जो हमें बिस्मा कम्युनिकेशन की तरफ से मिराज पटेल साहब ने स्पॉन्सर किया है। तौफीक शेख साहब हमारे बीच में मौजूद है, ये गिफ्ट एम्पर देंगे तौफीक शेख साहब जो हमें बिलाल मजीद साहब ने स्पॉन्सर किया है। अरहम फक्की साहब हमारे बीच में मौजूद है, आइए अरहम फक्की साहब ये गिफ्ट एम्पर देते हुए जो हमें तौफीक शेख साहब ने स्पॉन्सर किया है। तो ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी शुभम गुलवी। शुभम एक मिनट, एक मैन ऑफ द मैच का ये वाउचर है ये भी आपको देना है, मापोली सर्विस सेंटर का ये वाउचर है, अगर आपके पास फोर व्हीलर टू व्हीलर गाड़ी है तो आप फ्री में आपकी गाड़ियों को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर सकते हैं मापोली सर्विस सेंटर पर जाके। तो ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी शुभम गुलवी। आइए अब एक बार फिर से हम एचडी ट्रॉफी 2023 की दुनिया में चलते हैं, जहाँ पर बिल्कुल तैयार है दोनों टीमें खेलने के लिए। देखिए प्लीज़ ये बार बार हम यहाँ से अनाउंसमेंट कर रहे हैं और बार बार ये कहना अच्छा नहीं लगता है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट्री बॉक्स के पास से हट जाए, क्योंकि देखिए बिल्कुल जब आप लोग एकदम सामने हमारे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है कमेंट्री करने के लिए, और बार बार ये कहना हमें अच्छा भी नहीं लगता है। शुक्रिया मज़हर खान, धन्यवाद पाटिल। आइए दोस्तों, रात काफ़ी गुजर चुकी है और मुकाबला शुरू होने जा रहा है नरेश मात्रे फैम टीम जॉली स्पोर्ट कामतकर बनाम भावाले स्पोर्ट। टॉस को जीता इस वक्त जॉली स्पोर्ट कामतकर ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। बैक टू क्रिकेट नाउ, स्वागत है आप सभी का। यस, इस वक्त पड़गा बोरोली से असीम जवड़े ने शहजाद डोन को ऑल द बेस्ट कहा है, क्योंकि वसीम जवड़े जवड़े फैमिली के दामाद हैं शहजाद डोन। शुक्रिया असीम, स्वागत है आपका। स्वप्निल शेलार ने भी इस एसडी ट्रॉफी और कमेंट्री पैनल के लिए शुभकामनाएं दी हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए चार टीमें पावर शिलार, एनआर बोरपाड़ा, धोंडा वड़ोली और वकी स्पोर्ट्स मापोली, ये चार टीमें कल आपके मैचेस रहेंगे।
और कल कब आपके मैचेस रहेंगे ये कल आपको बता दिया जाएगा ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से। एक घंटे में आपको लॉट डाला जाएगा जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। बैक टू क्रिकेट, खेल की शुरुआत होती हुई कामत कर एक्सप्रेस।